अब हम बात करेंगे समूह या मूलक की। समूह या मूलक, आप इंग्लिश में समूह को कहते हो ग्रुप और मूलक को कहते हो रेडिकल, ठीक है? तो इंग्लिश के नाम भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि बड़ी क्लासेस में आपको इंग्लिश में ही नामों की जरूरत पड़ती है ज्यादा, ठीक है? तो मान लो आपके पास कोई भी कार्बनिक यौगिक है, तो वो कार्बनिक यौगिक जिन दो विशेष भागों से, दो या तीन चार भी हो सकते हैं, जिन भागों से मिलकर बनता है ना, उन भागों को ही हम कहते हैं समूह या मूलक, ठीक है? तो परिभाषा क्या लिखोगे? कार्बनिक यौगिक जिन विशेष भागों से, जिन विशेष भागों से मिलकर, जिन विशेष भागों से मिलकर बना होता है। तो कोई भी कार्बनिक यौगिक जिन भागों से मिलकर बना होता है, उन भागों को हम कहते हैं समूह या मूलक। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, देखो ध्यान से। एग्जाम्पल मान लो आपके पास ये है CH3OH, ये कार्बनिक यौगिक है। इसमें आपके पास दो भाग हैं, एक तो भाग ये है CH3 और एक भाग ये है OH। इस CH3 वाले भाग को कहोगे आप मिथाइल, इसे कहते हैं मिथाइल ग्रुप। समूह को इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं ना। और ये क्या है? ये OH, OH होता है एल्कोहोलिक ग्रुप, ये एल्कोहोलिक ग्रुप है, ठीक है? तो दो ग्रुप हैं इसमें, एक तो मिथाइल ग्रुप है, एक एल्कोहलिक ग्रुप है, एक एल्कोहल है। एल्कोहल ग्रुप भी कह सकते हो, एल्कोहलिक ग्रुप भी कह सकते हो। ये सारी चीजें सिखाऊंगा मैं अभी आपको। जैसे मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक यौगिक है CH3COOH, तो इसमें भी एक तो ये तो नजर आ रहा आपको और ये भी नजर आ रहा, ये कौन सा है? CH3 क्या है? मिथाइल ग्रुप है। ये एक तो ग्रुप है आपके पास मिथाइल ग्रुप, और दूसरा समूह कौन सा है? COOH को कहते हैं कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है? समझाऊंगा, इन सब के बारे में पढ़ाऊंगा मैं बहुत डिटेल में। और यदि मैं आपको कह दूं कि मान लो आपके पास एक यौगिक है CH3Cl, तो इसमें भी तो दो ग्रुप हैं, एक तो ये और एक तो ये। इसे तो आपको नाम कई बार आ गया आपके पास, मिथाइल ग्रुप है इसका नाम, तो इसका नाम क्या होगा? इसे कहते हैं Cl को क्लोरो, ये है क्लोरो ग्रुप, ठीक है? तो कम से कम दो ग्रुप तो होते ही हैं किसी कार्बनिक यौगिक में, वैसे जरूरी नहीं है, पर ज्यादातर में आपको दो मिलेंगे। और उन दोनों हिस्सों को, उन दोनों भागों को, या तीन भागों, चार भागों, पांच भागों, उन सभी विशेष भागों को हम कहते हैं समूह या मूलक। जल्दी से पोज करके लिखो, आप लिख लिया बेटे? ठीक है, अब हम बात करेंगे क्रियात्मक समूह की। क्रियात्मक समूह, अच्छा, क्रियात्मक समूह का एक नाम और भी है, प्रकार्यात्मक। प्रकार्यात्मक समूह भी कहते हैं इसे, ठीक है? और इंग्लिश में कहते हैं इसे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। चलो इसके बारे में बात करते हैं हम, क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। आपको इस बात का तो पता चल गया कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में जो विशेष प्रकार के भाग होते हैं, विशेष भाग होते हैं, उन सभी भागों को हम कहते हैं समूह या मूलक। पर उन सभी समूहों में से एक समूह ऐसा होता है जो यौगिक के गुणों का निर्धारण करता है, अर्थात जिसके ऊपर यौगिक के गुण निर्भर करते हैं, और उस विशेष समूह को जो इस बात का डिसीजन लेगा कि उस कार्बनिक यौगिक को कौन से गुण दिखाने हैं और कौन से गुण नहीं दिखाने, इसका डिसीजन जो समूह लेता है उस समूह को ही हम कहते हैं क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। जैसे नॉर्मली आप एक बात समझ सकते हो कि मान लो आपके परिवार में पांच सदस्य हैं, तो पांच सदस्य मैं कहूंगा कि वे पांचों समूह हैं, ग्रुप हैं, मूलक हैं,
रेडिकल हैं। पर आपके परिवार में क्या करना है और क्या नहीं करना है, परिवार कौन सा डिसीजन लेगा कौन सा नहीं लेगा, इसका निर्णय परिवार का मुखिया लेता है। एक उस मुखिया के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना। तो वहां जो मुखिया है ना, मुखिया जो रोल अदा करता है परिवार के क्रियाकलापों का रोल मुखिया ही अदा करता है, परिवार का मुखिया। इसी तरीके से किसी भी यौगिक में जितने भी समूह होंगे, उन समूहों में से एक समूह ऐसा होगा जो उस यौगिक के गुणों का निर्धारण करेगा या जिसके ऊपर यौगिक के गुण निर्भर करते हैं, और उस समूह को, उस विशेष समूह को ही हम कहते हैं क्रियात्मक समूह। बताओ समझ में आई क्या बात? तो यह होता है क्रियात्मक समूह। तो यदि परिभाषा आपको लिखनी हो तो आप लिख सकते हो किसी किसी कार्बनिक यौगिक का वह समूह, समूह का मतलब ग्रुप, जो यौगिक के गुणों का क्या करता है, निर्धारण, यानी जिसके ऊपर यौगिक के गुण निर्भर करेंगे, निर्धारण करता है। तो जो ग्रुप यौगिक के सभी गुणों का निर्धारण करेगा उस ग्रुप को आप कहोगे क्रियात्मक समूह। जैसे एक एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल CH3OH, इसमें दो ग्रुप हैं, एक तो मिथाइल एक तो एल्कोहल। तो इसमें यदि कोई मेरे से पूछता है ना कि क्रियात्मक समूह बताओ, फंक्शनल ग्रुप बताओ, इसमें कौन सा है, तो बेटे इसमें फंक्शनल ग्रुप है OH, यानी एल्कोहलिक ग्रुप। ये OH भाई ग्रुप तो इसमें दो है, एक तो मिथाइल है एक अल्कोहल है, पर अल्कोहल इसमें फंक्शनल ग्रुप है। इस पूरे यौगिक के गुण इस ग्रुप के ऊपर डिपेंड करते हैं, OH के ऊपर, ठीक है, ध्यान रखोगे। इसी तरीके से यदि मान लो CH3NO2 में पूछ लिया जाए, नाइट्रोमीथेन, तो इसमें क्रियात्मक समूह होता है NO2 ग्रुप। इसमें क्रियात्मक समूह क्या होता है, NO2 ग्रुप होता है। इसी तरीके से यदि कोई पूछ ले CH3COOH में बताओ जी कि इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा होगा, तो इसमें क्रियात्मक समूह होता है COOH, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप। नॉर्मली क्या होता है, जो एल्काइल ग्रुप होते हैं ना, CH3C2H5C3S7, यानी कार्बन परमाणु की श्रृंखला, वो एक ग्रुप का रोल तो अदा करती है पर क्रियात्मक समूह अर्थात फंक्शनल ग्रुप का रोल अदा नहीं करती। फंक्शनल ग्रुप का रोल कार्बन चेन के अलावा जो भी ग्रुप होता है वो अदा करता है, फंक्शनल ग्रुप का रोल यानी क्रियात्मक समूह का रोल, ठीक है बेटे।